दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय न्यू लाइफ हॉस्पिटल रोहडू। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कोविड के संक्रमण से बचने के लिए किन्नौर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर नाराजगी जताई है। श्री नेगी ने बताया कि शिकायतें मिल रही हैं कि ई पास के माध्यम से बाहरी राज्यों सहित प्रदेश के कई जिलों से किन्नौर आ रहे लोगों को एक साथ क्वारंटीन किया जा रहा है। उरनी सहित कुप्पा क्वारंटीन सेंटर में तो एक एक कमरे में कई लोगों को रख रहे हैं, सफाई की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई खामियों के चलते लोगों में कोविड संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। श्री नेगी ने किन्नौर प्रशासन से ये भी मांग की है कि आवश्यक वस्तुओं को लेकर किन्नौर आ रहे वाहन चालकों सहित टैक्सी चालकों के कोविड टेस्ट को अनिवार्य किया जाए। किन्नौर में कोविड संक्रमण से बचने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों से विधायक नाराज। किन्नौर प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण से बचने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी नाराज प्रतीत हो रहे हैं। विधायक नेगी का कहना है कि ई पास के माध्यम से जो लोग किन्नौर आ रहे हैं उनका जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करवाया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। नेगी का कहना है कि रेड जोन से आने वालों को अलग इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कराया जाए, उसी तरह येलो जोन और ग्रीन जोन वालों को भी। प्रशासन देखने में आया है कि प्रशासन सभी लोगों को एक स्थान पर क्वारंटाइन कराइए, यहाँ तक कि उरनी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन और सांगला के कुपा इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में तो देखने में आया कि एक ही कमरे में पांच पांच छह छह लोगों को कठे रखा गया है। इस तरह से संक्रमण के फैलने का खतरा है। जिला किन्नौर में विशेषकर दूसरे अन्य स्टेट से आ रहे हैं उनका कई जगह पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, परंतु अभी शिकायतें मिली है कि खासकर उरनी में और जो सांगला के जीरा फार्म में वहां पर जो सुविधाएं उपलब्ध की गई है वो जो है पर्याप्त भी नहीं है और ठीक से भी नहीं है। टॉयलेट्स गंदे हैं, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। कहीं दूर के कहीं ढाबे से खाना लाया जा रहा है और वो खाने का गुणवत्ता तो वैसे भी नहीं है। तो इन बातों पे प्रशासन को जो है तुरंत जो है इसमें फैसला करना चाहिए। और जहां पर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसमें आप 8-10 लोगों को अगर एक ही हॉल में रखेंगे और वो भी अलग अलग स्थानों से जो आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, उनको अगर इकट्ठा रखेंगे तो ये बीमारी जो है आगे फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है और प्रशासन को, विशेषकर जिला किन्नौर में अभी तक कोई भी केस जो है पॉजिटिव नहीं है। जितने भी बाहर से ड्राइवर्स आ रहे हैं, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज में है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे अन्य ड्राइवर्स हैं, उनका जो है टेस्ट जो है कंपल्सरी रूप में जो उनका टेस्ट किया जाना चाहिए। और जब तक आप ये टेस्टिंग नहीं करेंगे, इन ड्राइवर्स का टेस्टिंग नहीं करेंगे, खाली स्क्रीनिंग से काम नहीं चलने वाला है। आने वाला समय जो है खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है टेस्टिंग हो, ड्राइवरों की टेस्टिंग हो और बाहर से जो आ रहे हैं उनकी 100% जो है टेस्टिंग होनी चाहिए। चाहे वो रेड जोन से आ रहे हैं, चाहे वो ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, चाहे वो जो है ग्रीन जोन से आ रहे हैं, जिला किन्नौर में जब आ रहे हैं उनकी 100% जो टेस्टिंग की जाए तभी हम इस महामारी को अपने जिले में रोक सकते हैं। न्यू लाइफ हॉस्पिटल रोहडू गायनी रेडियोलॉजी और जनरल ओपीडी की सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल में अति आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन व सभी प्रकार के टेस्ट, दवाइयां, ईसीजी व एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन झाल्टा, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा व डॉक्टर दिलीप नेगी, जनरल फिजिशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7876110221, 7876110221।